विश्व का एक बात पुराण मंदिर के सामने से देखते हैं, उसके शिखर के दर्शन शिखर के दर्शन। मेरी संतान नहीं है इसीलिए मैं जीवन को समाप्त कर रहा हूँ, मेरी कोई भी संतान नहीं है इसलिए मैं जीवन को समाप्त करना चाहता हूँ। संत व्यक्ति जानते हैं भाग्य पर उसके जीवन को देखते कैसे आपके जीवन के संतान का योग और ज्यादा दुखी होगा। प्रयास करना जीवन की प्रकार है, क्या करोगे जब जीवन में संतान संतान होगी ही तो कर गोपाल मंदिर फिर से वापस लौटते हुए जगन्नाथ जी मंदिर के पास से गुजरते हुए देखे 12 दिसंबर 2023 जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि अगर ये दिन तारीख नहीं होती कैलेंडर में तो शायद वो स्थिति आज नहीं होती जैसी स्थिति महाकाल की कृपा और बाबा की हद की कृपा की वजह से। तो इसी तिथि में रोजी रोटी का रास्ता दिखाया था श्री राम जानकी मंदिर, जो कि मारवाड़ी समाज द्वारा संचालित है। इसी के ठीक पीछे सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ श्री रामचंद्र जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए, ये बगल आता हुआ रास्ता उधर से, तो ये रास्ता सीधे माए व्यास के भी होता है आदि गंगा माँ गोमती तरफ जाता हुआ, और ये एक रमणीय रास्ता जैसे देखा जाए तो बहुत ही श्री रामेश हनुमान मंदिर में अखंड सीताराम का जाप होते हुए ये पानी की टंकी देखिए, वो मोड़ है जहाँ से हमारे श्री राम साधना को रास्ता जाता है। अगर इस तरह से ये रास्ता खुला होता तो हम सीधे यहाँ से उधर निकल सकते थे। ये पहाड़ी हल्की पहाड़ी पे स्थित है आश्रम, और ये द विश्वनाथ पैलेस मसानास का कारण है। हनुमानगढ़ी वाला जो चौराहा जो कि यहाँ से बैरिकेडिंग लगी हुई, अभी भी आज अमावस्या मार्सिस कृष्ण अमावस्या सब कुछ इसी चौराहे के इर्द गिर्द घूमता हुआ। आज 6:25 को हमारा से तिथि का संक्षण हुआ था, उसके बाद ये कल सुबह 5:02 तक अमावस्या थी, उसके बाद प्रतिपदा ये वो पानी की टंकी जो हमारा पहचान है श्री राम साधना सीधे रास्ता श्री व्यास गद्दी को जाता हुआ। कम से कम ये तो हुआ ही इस समय जाने से श्री जगन्नाथ जी मंदिर में हनुमान चालीसा
का। ये 3 नंबर गेट फाइनली बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। देखिए माम की ममता बानर राजों में ही दिखाई पड़ती है। श्री जगन्नाथ जी मंदिर हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद फिर से वापस आते हुए श्री राम साधना आणेक हमारे गिसाला कुटिया के दर्शन।